Hello students, in the previous 3 to 4 videos, we have studied the basic concept of network theory, that is of classification of elements, basics of KVL, KCL, mesh and nodal, and we have solved some numericals also. Okay, in today's video, we will start with the 2-port network. Okay, so first we need to understand what is 2-port network. So if I draw one figure, then this is your 2-port network and there is a voltage source V1 and there is again a voltage source V2. Okay. So from this voltage source current is I1 and from this voltage source current is I2. Okay. Now, what is 2-port network? 2-port network means we can apply the supply from both sides. हम लोग बोथ साइड से सप्लाई लगा सकते हैं फ्रॉम पोर्ट 1 एज वेल एज फ्रॉम पोर्ट 2, ठीक है ना। तो ये होता है आपका 2-port नेटवर्क। हमने यहां V1 अप्लाई किया है पोर्ट 1 में, जहां से करंट क्या निकल रही है I1। हमने V2 अप्लाई किया है पोर्ट 2 में, टर्मिनल 2 में, जहां से करंट क्या निकल रही है आपकी I2। सो ये होता है आपका 2-port नेटवर्क बेसिक। ओके, मेन हमें पढ़ना क्या है यहां पर, 2-port नेटवर्क के एनालिसिस के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स यूज करने होते हैं, लाइक जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, टी पैरामीटर, और दिस टी पैरामीटर इज आल्सो कॉल्ड एबीसीडी पैरामीटर। ओके, जी पैरामीटर एंड एबीसीडी इनवर्स पैरामीटर। ओके, ये हमें टोटल 6 पैरामीटर स्टडी करने होते हैं 2-port नेटवर्क के एनालिसिस के लिए। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो ये जो आपका जेड पैरामीटर होता है, दिस पैरामीटर इज कॉल्ड इंपेडेंस पैरामीटर। वाई पैरामीटर इज कॉल्ड एडमिटेंस पैरामीटर। एच पैरामीटर इज कॉल्ड हाइब्रिड पैरामीटर एंड टी पैरामीटर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन पैरामीटर। ओके, सो ये जो आपके स्टार्टिंग के 4 पैरामीटर हैं, ये आपके गेट, आईएएस एंड पीएसयू सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत अच्छे से स्टडी करनी है इन स्टार्टिंग के 4 पैरामीटर्स की। मैं बात करूं अगर लास्ट के 2 पैरामीटर्स की, तो जो आपका जी पैरामीटर होता है वो इनवर्स ऑफ एच होता है, जो एबीसीडी इनवर्स पैरामीटर होता है वो इनवर्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर होता है। ओके, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम ब्रीफ में स्टडी जरूर करेंगे इनकी, बट ये जो स्टार्टिंग के 4 पैरामीटर है उनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो 2-port नेटवर्क के एनालिसिस के लिए 6 पैरामीटर आपके डिफाइंड होते हैं। ओके, अगर मैं स्पेसिफिकली एक पैरामीटर को कंसिडर करूं, दैट इज कॉल्ड एच पैरामीटर। जब हम लोग एनालॉग सर्किट स्टडी करेंगे गेट एंड आईएएस के सिलेबस में, तो एनालॉग सर्किट में एम्पलीफायर सर्किट्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम एच पैरामीटर मॉडल का यूज करते हैं। तो ये एच पैरामीटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एम्पलीफायर के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में, चाहे गेट हो चाहे ईएस हो, 2 questions or 1 question यू कैन एक्सपेक्ट एवरी ईयर। ओके, सो ये हाइब्रिड पैरामीटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द जेड पैरामीटर। तो ये क्या होता है आपका जेड पैरामीटर, इस पैरामीटर। ओके, सो यहां पर जो 2 इक्वेशन आपके जेड पैरामीटर के, वो है V1 एंड V2, दैट इज बोथ आर KVL इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन वोल्टेज का इक्वेशन है, दैट मींस वो KVL इक्वेशन है। तो V1 जो है वो होता है Z11 I1 प्लस Z12 I2, Z21 I1 प्लस Z22 I2, दिस इज योर V2। ओके, So, ये जो आपके V1 और V2 equations है, ये आपके KVL है। That means, अगर ये V1 voltage है, तो Z11 I1 भी क्या है आपका voltage, हम जानते हैं impedance into current क्या होता है आपका voltage होता है। Okay, so Z12 I2 भी क्या है voltage है, this term is also voltage and this term is also voltage। Okay, अब हमें करना क्या होता है exam में, हमसे exam में पूछता है Z matrix। So, ये क्या हो जाएगा आपका Z11, Z12, Z21 एंड Z22, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका Z पैरामीटर मैट्रिक्स। तो ये हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए हर एक क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपना। ओके, कभी कभी एग्जाम में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी एग्जाम में कंप्लीट Z मैट्रिक्स ना पूछते हुए इंडिविजुअली भी पूछ लेता है। सपोज पूछ लिया Z11 क्या है, ठीक है ना, तो कभी ये नहीं पूछेगा Z11 कैलकुलेट करो, आपको एग्जाम में बाय नेम से भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए Z11 को किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट स्लाइड में बाय डेफिनेशंस जेड वन वन क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इक्वेशन को देखें तो जेड वन वन ये आपको फर्स्ट इक्वेशन में दिख रहा है, तो जेड वन वन क्या हो सकता है, वी वन अपॉन आई वन, पर उसके लिए मुझे किसको जीरो करना होगा, आई टू को। अगर मैं आई टू को इक्वेशन नंबर वन में जीरो कर दू, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, ओके, अगर आई टू को जीरो कर दू तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा ये टर्म आपका, तो क्या बचेगा, वी वन इज इक्वल टू जेड वन वन आई वन, तो आपका वी वन अपॉन आई वन क्या हो जाएगा, जेड वन वन, तो वी वन अपॉन आई वन ये क्या हो गया आपका, जेड वन वन, इसके लिए क्या जीरो होना चाहिए आपका, आई टू, सो आई टू क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई, ओके। नाउ जेड वन टू क्या हो जाएगा आपका, अगर हम फिर से देखें लास्ट स्लाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, v1 अपॉन i2 क्या जीरो होना चाहिए आपका, i1 जीरो होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, v1 अपॉन i2 जीरो क्या हो जाएगा आपका, i1, ओके। z21 को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, z21 ये क्या हो जाएगा आपका, v2 अपॉन i1 और क्या जीरो होना चाहिए, i2, ओके, सो v2 अपॉन i1 एंड i2 विल बी जीरो। सेम अगर मैं z22 की बात करूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, v2 अपॉन i2 एंड i1 शुड बी जीरो, सो ये हो जाएगा v2 अपॉन i2 एंड i1 विल बी जीरो, ओके। सो आप क्लियरली देख सकते हैं z11, z12, z21 और z22 चारों के कैलकुलेशन के लिए आपने करंट को जीरो किया है, आइदर i2 इज जीरो और i1 इज जीरो, तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपकी करंट जीरो होती है, ठीक है ना, जब भी आपकी करंट जीरो होती है तो उसे आप क्या कहते हैं, ओपन सर्किट, ओके, सो ये आपका ओपन सर्किट पैरामीटर होता है, ओपन सर्किट पैरामीटर, ओके, सो व्हेन एवर करंट इज जीरो पैरामीटर इज कॉल्ड ओपन सर्किट पैरामीटर। क्लियर है आपको यहां तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू डिफाइन the names of that parameters, how to define the name of z11, okay, so aapka z11 kya hai, impedance hai, impedance means v upon i, to dekh sakte hai aap yahan par v upon i ka format hai, dekhiye aapka yahan par kya hai, 1 hai, yahan bhi kya hai aapka 1 hai, theek hai, to hum log karte kya hai basically, jo aapka 1 wala jo port rehta hai usko hum by default input port ke naam se jante hain, aur jo 2 वाला पोर्ट रहता है उसको हम बाय डिफॉल्ट आउटपुट पोर्ट के नाम से जानते हैं, ओके, सो अब अगर हम ध्यान से देखें जो आपका Z11 है, Z11 क्या हो जाएगा आपका, V1 upon I1 means 1 upon 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनपुट इंपेडेंस, ओके, ये हो जाएगा इनपुट इंपेडेंस, और इसे हम कहते हैं ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपेडेंस, ओके, तो इस तरह से आप नाम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अगर मैं सेकंड को देखूं तो यहां पर v1 जो है न्यूमरेटर जो है वो 1 है इनपुट है, बट जो करंट है डिनोमिनेटर है वो 2 है आउटपुट है, तो जब आपका 1 2 या 2 1 हो तो उसे आप कहते हैं ट्रांसफर, ट्रांसफर इनपुट इंपेडेंस। व्हाई इनपुट, आपको हमेशा इनपुट या आउटपुट डिसाइड करना है न्यूमरेटर को देख के, न्यूमरेटर आपका 1 है दैट मींस इनपुट है। नाउ नेक्स्ट, अगेन आपका 1 2 या 2 1 है, v2 अपॉन i1 है, तो अगेन आप क्या बोलेंगे, ट्रांसफर, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर में क्या है आपका 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका आउटपुट, ट्रांसफर आउटपुट इंपेडेंस, ओके। लास्ट वन इज दोनों 2 2 है मतलब आउटपुट है, तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इंपेडेंस, ओके। सो इस तरह से आप नेमिंग डिफाइन कर सकते हैं, तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। वन मोर थिंग, जैसे सपोज करिए आपको Z12 लिखना है, आप जानते हैं Z क्या होता है, इंपेडेंस होता है, मतलब वोल्टेज अपॉन करंट होगा, तो आपको बार बार इक्वेशन को देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं वन टू मीन्स वोल्टेज वन करंट टू, वी वन अपॉन आई टू means first term shows the numerator, second shows the denominator, same here 2 1 means v2 i1, 2 2 v2 i2, 1 1 v1 i1, इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ओके। सो ये आपका z पैरामीटर की डेफिनेशंस है कि किसको क्या बोलते हैं, ओके, और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉजिक क्लियर है आपको यहां तक, ओके। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है
वो है कि हम इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं जेड पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम ध्यान से देखें यहां पर पोर्ट वन में क्या हो रहा है, वी वन अप्लाई कर रहे हैं आप, करंट क्या निकल रही है आपकी वी वन से आई वन, ओके जेड वन वन, ओके। नाउ पोर्ट टू में आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, वी टू, ओके, और करंट क्या निकल रही है आपकी वी टू से आई टू, जेड टू टू। नाउ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि अगर आप पोर्ट वन और पोर्ट टू में देखें, तो अगर आप इक्वेशन वन को कंसिडर करते हैं, तो इक्वेशन वन जो वी वन का इक्वेशन है उसमें पहला टर्म क्या है, जेड वन वन आई वन, तो आई वन तो आपकी पोर्ट वन में ही है, ठीक है, तो आप करंट इंटू रजिस्टर या करंट इंटू इंपेडेंस आप लिख सकते हैं। बट अगर आप इक्वेशन वन में देखें तो आई टू भी आ रही है, और आई टू क्या है आपकी पोर्ट टू में है, तो अगर आपकी आई टू जो है वो पोर्ट टू में है, तो हमें यहां पर पोर्ट टू में जो करंट आई टू को अगर कंसिडर करना है, पोर्ट वन में अगर कंसिडर करना है हमें, तो हमें यहां पर क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक डिपेंडेंट सोर्स, क्योंकि करंट आई टू आपकी पोर्ट टू में है, हमें पोर्ट वन में लेना है, तो हमें एक डिपेंडेंट सोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब जो डिपेंडेंट सोर्स होगा वो आई टू करंट पे डिपेंड कर रहा होगा, और वो सोर्स क्या होना चाहिए आपका, आप कौन सा इक्वेशन लिख रहे हैं, आप वोल्टेज इक्वेशन लिख रहे हैं, आप केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या था टर्म आपका, आप देख सकते हैं जेड वन टू आई टू, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका जेड वन टू आई टू हो जाएगा, ओके। सो अगर आप इस लूप में केवीएल चलाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस वी वन प्लस जेड वन वन आई वन प्लस जेड वन टू आई टू, तो क्या हो जाएगा, वी वन इज इक्वल टू जेड वन वन आई वन प्लस जेड वन टू आई टू, ओके। नाउ अगर हम इक्वेशन नंबर टू पे देखें, तो इक्वेशन नंबर टू पे आपको एक टर्म है जेड टू टू आई टू और एक टर्म है आपका जेड टू वन आई वन, तो जो जेड टू टू आई टू है वो तो आई टू करंट पे डिपेंड कर रहा है, और पोर्ट टू में जो आपकी करंट है वो कौन सी है, आई टू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंपेडेंस इनटू करंट लिख सकते हैं, लेकिन एक टर्म है आपका जेड टू वन आई वन। अब जो जेड टू वन आई वन वाला जो आपका टर्म है वो करंट आई वन पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर वो करंट आई वन पर डिपेंड कर रहा है तो करंट आई वन तो आपकी पोर्ट वन की करंट है, तो आपको अगेन क्या यूज करना पड़ेगा, एक डिपेंडेंट सोर्स, और वो डिपेंडेंट सोर्स फिर से किसका होगा, वोल्टेज सोर्स होगा आपका वो, ठीक है। तो हम लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं प्लस माइनस जेड टू वन आई वन, ओके। अगर हम फिर से केवीएल अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस वी टू प्लस जेड टू टू आई टू प्लस जेड टू वन आई वन, तो फिर से वी टू का इक्वेशन क्या होगा, वी टू इज इक्वल टू जेड टू टू आई टू प्लस जेड टू वन आई वन, तो ये आपका होता है इक्विवेलेंट सर्किट, ओके। हम बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, बस हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कि पोर्ट वन में आपकी सिर्फ आई वन करंट होगी, पोर्ट टू में सिर्फ आपकी आई टू करंट होगी, ठीक है। अगर हमें वाइसा वर्सा चाहिए तो हमें डिपेंडेंट सोर्स का यूज करना होगा, क्लियर है अच्छे से, ओके। नाउ वन मोर पॉइंट, अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि एक्चुअल में हम जेड पैरामीटर कैलकुलेट कैसे करेंगे, अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जेड पैरामीटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, लेकिन अगर आपको जेड मैट्रिक्स कैलकुलेट करना के लिए आता है एग्जाम में, तो हाउ टू कैलकुलेट, तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए मैं एक टी नेटवर्क कंसिडर करता हूं जिसमें आपका जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री गिवन है, ओके। मुझे अब इस टी नेटवर्क के लिए जेड पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए वी वन आई वन एंड वी टू आई टू ये हम रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि टू पोर्ट नेटवर्क में आप बोथ साइड से सप्लाई दे सकते हो, तो सबसे पहले आप वी वन आई वन एंड वी टू आई टू ये आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से जानते हो कि जो जेड पैरामीटर्स हैं उनके जो इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ केवीएल इक्वेशन है, तो हम सिंपली क्या अप्लाई कर देंगे यहां पर, केवीएल अप्लाई कर देंगे, ओके। सो अगर मैं लूप वन में केवीएल अप्लाई करूं तो लूप वन में केवीएल इक्वेशन कैसे होगा आपका, माइनस वी वन प्लस जेड वन आई वन, ओके। अब जेड टू के अक्रॉस अगर हम देखें तो पहले तो आप लिख लेंगे जेड टू आई वन, ओके। अब अगर हम ध्यान से देखें आई वन का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, आई टू का एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। इसका मतलब डायरेक्शन दोनों करंट के अपोजिट है, तो मैं आपको बताया था अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो, सेम डायरेक्शन हो, तो
अगर किसी ब्रांच पे दूसरी करंट का अफेक्ट हो तो उसके अफेक्ट को माइनस करना है, लेकिन अगर डायरेक्शंस आपके अपोजिट हो, मींस एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज हो, तो आपको अफेक्ट को क्या करना है, प्लस करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जेड टू आई टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, क्लियर है पॉइंट। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर टू लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी टू, ठीक है, जेड थ्री आई टू, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। अगेन अब यहां पर अगर हम देखें, जेड टू पे आई वन का इफेक्ट भी है और आई टू का इफेक्ट भी है, तो अगेन दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अफेक्ट क्या होगा, जो अपोजिट अफेक्ट है वो क्या होगा, एड होगा। तो पहले तो हम यहां आराम से लिख सकते हैं कि क्या होगा, जेड टू आई टू और प्लस क्या हो जाएगा आपका, जेड टू आई वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को अरेंज कर लूं तो क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर वन से वी वन इज इक्वल टू आई वन का कॉफिशियंट कितना है आपका, जेड वन प्लस जेड टू, तो आप क्या लिखेंगे, जेड वन प्लस जेड टू आई वन प्लस आई टू का कॉफिशियंट क्या है आपका, ओनली जेड टू है, तो हम लिख सकते हैं जेड टू आई टू, ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर वन आ गया। अगर मैं वी टू का इक्वेशन लिखूं तो वी टू के इक्वेशन में आप देख सकते हैं जो I1 का कॉफिशियंट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ Z2 है, तो Z2 I1 प्लस जो आपका I2 का कॉफिशियंट है वो क्या है आपका, वो है आपका Z2 प्लस Z3, तो आप लिख सकते हैं यहां पर Z2 प्लस Z3। ओके, सो यहां पर हमने कॉफिशियंट शो कर दिए। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर जो हमारा Z पैरामीटर का इक्वेशन था वो क्या था, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। इसकी मीनिंग क्या है कि Z11 हो गया आपका Z1 प्लस Z2 और Z12 क्या हो गया आपका Z2। नाउ V2 का इक्वेशन क्या था आपका, Z21 I1 प्लस Z22 I2, तो Z21 क्या हो जाएगा आपका Z2, एंड जो आपका Z22 है वो क्या हो जाएगा आपका Z2 प्लस Z3। ओके, क्लियर है पॉइंट। नाउ यहां पर अगर हम एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर ले अब, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Z1 प्लस Z2, 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 Z2 प्लस Z3। ओके, सो ये होता है आपका T नेटवर्क का Z पैरामीटर, और मैंने इसको लिया था एक एग्जांपल, बट अब मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो आपका T नेटवर्क का Z पैरामीटर है वो एक स्टैंडर्ड सर्किट है। स्टैंडर्ड सर्किट मींस वो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। तो आपको आज से टी नेटवर्क का जेड पैरामीटर दिमाग में रखना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है आपका, फर्स्ट प्लस सेकेंड जेड वन जेड टू, सेकेंड सेकेंड जेड टू जेड टू, देन लास्ट जेड टू प्लस जेड थ्री। आप देख सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड जेड वन जेड टू, जेड टू जेड टू एंड जेड टू प्लस जेड थ्री। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पैरामीटर जो हम स्टडी करेंगे अब वो होगा आपका वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर मींस एडमिटेंस पैरामीटर। ओके, सो वो हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो आई होप आपको जेड पैरामीटर क्लियर होगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।